बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। सिवान सदर सीट से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे भारी समर्थक के बीच अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं और इनके साथ दरौंदा से विधायक ब्यास सिंह भी इनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं और इनके पुत्र हैप्पी यादव भी अपने समर्थकों के साथ पिता के नामांकन में पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान से, जहां पर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। एक लाइन जा रहा है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रुक जाइए सिवान की जनता बहुत प्रबुद्ध है। हम तो लोकसभा चुनाव में कफन लेकर निकले थे, लेकिन मन पसंद लोगों ने मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। आरजेडी के शासन काल में यहाँ की जनता ने जो दंश झेली है, जो पीड़ाएं झेली है, उसको याद करके रोए खड़े हो जाते हैं। हम सिवान के मतदाताओं से चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर के समग्र विकास के लिए, वैभवशाली बिहार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को जो पहले लोगों ने कलंकित अपमानित किया है, उसे सजाने और संवारने के लिए, जो विकास की गति आगे बढ़ रही है उसमें और तेजी लाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। आपके गुरु जिन्हें आप गुरु मानते हैं वो भी निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं आपके खिलाफ। हम लोग मना लेंगे अपने गुरु को, कोई बात